तो भाई कितना पैसा ले आया है आज बता दे। 10 से 12 हजार बंदा लेके आया है कि इतना काम होगा क्या है? क्या 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 तो जान के ऊपर तो पैसा लुटवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस RC 125 मतलब कलर ही अलग है इसका। ये तो भाई पूरा मतलब क्या बोले, चीता लग रहा है, चीता। और गाड़ी का हालत खराब करके सर्विसिंग करने ले आया है, तो इसका बिल तो एकदम कितना होगा दिखा दें आपको। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर है ना, ये चेंज हो गया है तेरा वाला। जैसे हमारा यामा का एकदम लोकल होता है, यहाँ का सर्विस सेंटर भी बहुत मतलब हाई फाई है। ठीक है, टोटल इसका जो बिल आया है वो है, तो इसने सोचा था कि 10 से 12 हजार बिल आएगा। ठीक है, बट सिर्फ सो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं बोर्डवान KTM के सामने। ठीक है, और ये रहा आकिब का बाइक KTM RC 125। तो इसका बहुत कुछ काम करवाना बाकी है, ये है गाड़ी का मालिक। ठीक है, तो ये देखो इसका फास्ट भाई, ये वाला चेंज करेगा ना, ये वाला चेंज करेगा। ठीक है, मीटर का हालात देखो, ऑन करता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे पूरा मतलब ढीला हो गया। ठीक है, ये पूरा ढीला हो गया, ये बहुत टाइट हो गया। ठीक है, मतलब ये चार उंगली से ऐसे करना पड़ता है, जबकि एक उंगली से मतलब समझ रहे हो कितना टाइट होकर रखता है ये वाला सेक्शन। ठीक है, कूल एंड काम नहीं कर रहा। उसके बाद क्या बोले हाँ, और ये बहुत कुछ है, जैसे कि इसका ब्रेक तो शायद चेंज होगा यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पर ऑयल सील कट चुका है, यहाँ का ऑयल निकल रहा है, यहाँ से नहीं यहाँ से, ये देखो यहाँ का ऑयल सील कट चुका है। ठीक है, तो इसका काम करवाना पड़ेगा, इसका पूरा काम करवाना पड़ेगा। बाकी और क्या करवाना पड़ेगा भाई? फुल सर्विसिंग, और मोबिल तो चेंज करना पड़ेगा ही। तो मेरे पास तो भाई कितना पैसा ले आया है आज बता दे। 10 से 12 हजार बंदा लेके आया है कि इतना काम होगा, तो चलो अभी देखते हैं। और चलो, और भाई ये इसका क्या करेगा भाई? चेंज करना पड़ेगा। तो बंदा बहुत पैसा लेके आया है। ठीक है भाई, कितना पैसा ले आया बोल दे क्या? 10 से 12 हजार लेके आया है, सिर्फ खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो टारगेट लेके आया है। क्या क्या क्या, ये जान है इसका बोल रहा है, तो जान के ऊपर तो पैसा लुटवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बंदा 10 से 12 हजार ले आया इसका काम करवाने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं कितना बिल आता है, क्या क्या होता है, तो लेट्स गो। और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, कितना बिल आता है आपको लास्ट में दिखाएंगे। ओके, तो ब्लॉग देखते रहो। तो चलो अभी शोरूम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ बाइक। और ये देखो गाइस, RC 125 मतलब कलर ही अलग है इसका, ये और ये देखो, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये ब्लैक वाला और ये वाइट एंड ऑरेंज वाला। और यहाँ पे है ड्यूक 250, यहाँ पे है एडवेंचर 250। ये तो भाई पूरा मतलब क्या बोले, चीता लग रहा है, चीता। ये देखो, ब्लैक ही लग रहा है इसका। और यहाँ पे है ड्यूक 250। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि KTM का अगर आप लवर हो तो KTM में कौन सा बाइक मतलब कौन सा वाला मॉडल आपको पसंद है, ये RC या फिर ये एडवेंचर या फिर ये ड्यूक। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप KTM लवर हो तो। तो फाइनली जॉब कार्ड रेडी हो चुका है, ये सब काम होना बाकी है और ये बाइक है। ठीक है, तो चलो अभी सर्विसिंग सेंटर पर चलते हैं, मतलब सर्विसिंग सेंटर पर ले चलते हैं। क्या है भाई? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर है ना, ये चेंज हो गया है तेरा वाला। क्या हालात दिखा इसका, हालात दिखा। तो भाई लोग ये देखो, फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, ये पुशरूम वाला जो, ये देखो गाइस, KTM का सर्विसिंग होने का तरीका बहुत कूल है ना, मतलब बहुत अच्छा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। जैसे हमारा यामा का एकदम लोकल होता है, यहाँ का सर्विस सेंटर भी बहुत मतलब हाई फाई है। ठीक है, अच्छा है, ये देखो पूरा एरिया बहुत बड़ा है, ये
यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ मतलब थोड़ा हाई फाई। इसका ऑयल सेल कर चुका है तो वाला ऑयल सेल फिल होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक का ऑयल सेल कर चुका है तो वो दोनों, और अंदर का ऑयल भी खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म होने, मतलब गाड़ी का पूरा हालात ये ख़राब कर दिया है, और गाड़ी का हालत ख़राब करके सर्विसिंग करने ले आया है। तो इसका बिल तो एकदम कितना होगा दिखाते हैं आपको, ठीक है, वीडियो एंड तक देखना। तो ये हाइड्रोलिक फिर से फिट हो चुका है, ठीक है भाई, हमारा फिट कर रहा है, उसके बाद फिर से इंस्टॉलेशन होगा, और मीटर का कुछ आवाज आ रहा था वो भी ठीक होगा। तो गाइस फाइनली गाड़ी सर्विस हो चुका है, ठीक है, ये रहा हाथ में मेरा बिल, तो आपको दिखाया था कितना बिल हुआ है, हम जस्ट खाने ही गए थे तो आके देखा गाड़ी पूरा सर्विस हो चुका है, ठीक है, ये देखो यहाँ का इंडिकेटर भी चेंज हो चुका है, तो ये रहा हाथ में मेरा बिल, तो चलो आपको दिखाते हैं कितना बिल आया है, जितना हम लोगों ने सोचा था उतना आया नहीं है, तो जितना आया है मैं आपको दिखाता हूँ, तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ और देखो कितना बिल आया है। सो ये देखो टोटल इसका जो बिल आया है वो है 4500, ठीक है, और ये जो लेबर चार्ज यहाँ पे देखो लेबर चार्ज लगा है 950, ये थोड़ा ज़्यादा लग गया मेरे हिसाब से, बाकी यहाँ पे पार्ट्स का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं नहीं समझता तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये है पूरा बिल, भाई क्या सोचा तूने कितना बिल आया था, मतलब कितना बिल आएगा क्या सोचा तूने, क्या क्या 10 से 12, तो इसने सोचा था कि 10 से 12 हज़ार बिल आएगा, ठीक है, बट सिर्फ 4500 का ही बिल आया, तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो बाकी ये देखो यहाँ का नया इंडिकेटर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर का प्राइस 600 रुपये है समथिंग, देख के बताता हूँ, हाँ 575 रुपीज़ इसका इंडिकेटर का एक का प्राइस है, ठीक है। बाकी इसका फ्यूल पम्प चेंज हुआ है, ये देखो मीटर वगैरह सब कुछ सही कर दिया इसने, मीटर थोड़ा हिल रहा था वो भी ठीक कर दिया, बाकी ये देखो ऐसा कुछ मीटर है BS4 का, ठीक है, और ये देखो नया वाला RC, सॉरी ये देखो हमारा कर ले फोकस, हाँ ये रहा RC 125, ये नया वाला और ये पुराना वाला, आप कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट है, ये पुराना वाला या फिर ये नया वाला, ठीक है। बाकी ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है, बंदा ने मॉडिफाई करके रखे है थोड़ा थोड़ा बहुत, और इसका भाई आर्मी है इसलिए सामने आर्मी लिख दिया इसने, बहुत हरामी है ताकि कोई पुलिस वाला ना पकड़े इसको। बाकी हेलमेट इसके पास भी है, ठीक है, और ये मेरे पास भी है, मेरा जोकर एडिशन है, इसका पता नहीं ये सब क्या कुछ है भाई, क्या भाई कैसा लग रहा है तेरे को, गाड़ी ठीक हो गया, हाँ हाँ गाड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, इसी ने अभी चला के आया, पेट्रोल भरवाने गया था, अभी क्या क्या फुल टैंक कर लिया, तो अभी मेरी बारी है, तो मैं चला के देखूंगा कि पहले कैसा था अभी कैसा हुआ है। तो यही था आज के ब्लॉग में, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये रहा वर्धमान KTM, अगर आपको KTM लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, तो बाकी ये रहा वर्धमान KTM, आप मैप पे एड्रेस डालो यहाँ पे आ जाओगे, कोई प्रमोशन नहीं है, बस ऐसे ही काम अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा मैनेजर का, मतलब मालिक का बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा प्रमोशन कर दिया मेरे तरफ से, ठीक है। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।